काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग जो पसंद किया जा रहा है? सबसे तो पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर्स का, राजा भाई का, राजा भाई का भी हुआ बहुत ही वेरी प्रिया मेरे को, इतना प्यारे तरीके से अच्छे से शूट किया मेरे साथ में एंड इतना प्यार मिल रहा है कि ललिता मास की बहुत प्यारी आवाज़ है। एंड उसके अलावा आई गेस भाई भाई का बहुत प्यारा सॉन्ग है एंड बहुत ही अच्छे से कंपोज किया हुआ है, तो आई गेस व्हेन आई वाज शूटिंग द सॉन्ग द वीडियो आई वाज जस्ट फीलिंग इट एंड मुझे एक्चुअली परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप एज एन एक्टर फील करते हैं तो बहुत अच्छे से उसका आउटकम आता है। तो आई एम श्योर प्रिया के साथ में कुछ ऐसे ही हो रहा होगा एंड आई ट्राई माय बेस्ट, उज्ज्वल शूटिंग मैं भी पूरे में ही शूट कर रहा था, सुबह सुबह 3 बजे आया हूँ और अभी कितने मुश्किल मैनेज किया मुझे ही पता है, बट येस आई एम हैप्पी एंड आई गेस द सॉन्ग विल वर्क फॉर अस for Raja Bhai for the company which has introduced and launched it and inshallah main aur bhi zyada associate hona chahunga aur bahut zyada kaam karunga. Mam aap kya bolna chahte hain aane ke liye sare pyar mein? Yes, yehi ki jaise abhi de rahe hain waise aage bhi do, uska response bahut acha ho, kyunki jaise Jubeer ji ne bola ki hum log ne bahut usko feel kiya hai to baaki public ko bhi wahi feel hona chahiye kyunki ye real aur shayad real dono hai. किस तरह का आप लोग बॉन्डिंग रहा वन सेट लोकेशन किस बहुत ही अच्छा, बहुत किसने किसको परेशान किया? मैं डबल चेहरा ऐसा तो कुछ नहीं था, सेम के हिसाब से थोड़े थे परेशान करना था मुझे आई गेस शी इज वेरी ट्रेन एक्टर और जितना जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा खूबसूरत उन्होंने अपनी अदाकारी भी की है और उसके अलावा उज्ज्वल इज ऑल वेरी गुड एंड तो जब क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किया था, बहुत होमवर्क किया था हम लोगों ने, तो आई गेस जब आप ट्रेन होके जाते हो और जब आप कुछ परफॉर्मेंस देते हो तो आई एम श्योर वो अच्छे बनते हैं। कुछ विशेष देना चाहता हूँ? देखिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितना मुझे प्यार टीवी में मिला है, फिल्म से मिल रहा है, अदर सॉन्ग्स में मिल रहा है, एक्टर नजर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर बहुत सारी चीजें मेरी चल रही है, तो जितना प्यार मुझे पर्सनली एक आई गेस एक रील पे मिल जाता है तो उससे ज्यादा प्यार मुझे इस गाने में चाहिए, क्योंकि गाना बहुत बहुत खूबसूरत है एंड आई रियली फेल्ट इट एंड आई लव्ड इट एंड आई लव परफॉर्मिंग ऑन द सॉन्ग। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि हर जगह इतनी शिद्दत के साथ मैं काम करूँ और इतने ही प्यार और इतना ही ज़्यादा सपोर्ट मेरे लोगों का मिले, तो जितना अभी तक सपोर्ट मिला है इस गाने को भी सपोर्ट दें और इतना प्यार दें और कोशिश ये करें कि ये जो कंपनी है जो कोई एक इंसान ट्रस्ट करके एक खड़ा करने की कोशिश करता है अपना लेबल अपनी कंपनी अपना प्रोडक्शन हाउस, उसको सपोर्ट कीजिए एंड प्यार दीजिए। करना चाहते हैं गाने कितने अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, आपके गाने की तारीफ काफी सारे, आपके काम की काफी अच्छी तारीफ है, डबल वर्क कर रहे हैं आप, डबल चेहरा आपके ऊपर, बताएं क्या बोलना चाहते हैं? फिलहाल तो ये रियलिटी नहीं है बट मैं चाहती हूँ कि जो भी है रिस्पॉन्स अच्छा हो और ये डबल की तो है ना सर थोड़ा बहुत राजा के ऊपर बीती थी तो राजा ने सोचा कि इसकी स्टोरी में बना के लड़की डबल एड करिए करके नहीं, गाना तो वाकई में बहुत ही प्यारा है और जहाँ तक आप लोग बोल रहे हो कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है तो बस ऐसे ही लोग देखें रिस्पॉन्स करें, राजा की मेहनत मेरे डायरेक्टर की मेहनत रंग लाए और उसके दौरान कुछ ऐसे बातें जो आप लोगों ने की वो मस्ती करना। हाँ हाँ इंजॉय तो हम लोग ने बहुत किया बहुत किया, क्योंकि सीन भी इतने प्यारे प्यारे थे कि सीन देने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग ने इसको दो दिन ढाई दिन में शूट किया था, मढ़ में शूट किया था। जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया था रियल लाइफ में भी ऐसे करने की कोशिश की ऐसे की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मुझे करना भी नहीं है कभी ऐसा। मैं उनको ये भी बोला था बोले ये रियल में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप मुझसे करवा रहे हो, रियल में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ शायद हुआ तभी तो बनाया इसे। क्या बोला था गाने के बारे में? काफी अच्छा सॉन्ग है और प्रिया ने काफी अच्छा एक्टिंग किया है और हमारे जो एक्टर लोग थे दोनों भी काफी सारे अच्छे एक्टिंग किए और सिंगर ने तो उन्होंने बाद जान डाल दिया गाने में। हाँ उन्होंने काफी अच्छा कंपोज किया और राइटर भी हुई और म्यूजिक कंपोजर भी हुई है, काफी अच्छा उन्होंने किया और जाता है और हमारे रवि भाई ने जो डायरेक्टर एकदम वेरी गुड, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। उनका थोड़ा तबियत खराब है वो आ नहीं पाए अभी प्रेजेंट टाइम में। रवि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जैसे उन्होंने अभी सपोर्ट किया है आगे भी करते आगे भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर से ही एक्टर खेलता है।
मैम आपने गाना देखे, आपने क्या गाने के लिए अभिषेक सच अ लवली सॉन्ग एंड रिस्पॉन्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो आगे देखते हैं ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। राजा भाई आपके साथ धोखा दिया, आपको भी गाने में लेना चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पहली बार मिलने आ जाते हैं। तो आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए यही कि मतलब अभी तो फिलहाल ये सारे सॉन्ग जो है इंस्टा वगैरह पे जाते हैं, बहुत लोग रील्स बनाते हैं, कैसे सपोर्ट करें। आज के बाद सब बनाएंगे, अभी तो लॉन्च हो रही है, आज ही तो लॉन्च हो रहा है। तो आप किस किस को, आपको जो दोस्त हैं उनको बोलो बनाने के लिए किस तरह? हम तो बोलेंगे आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी रील्स बनाएं एंड आप लोग भी जो भी प्लेटफॉर्म पे होंगे लाइक यूट्यूब पे उस पे भी जाएं रील्स बनाएं। आजकल तो सबके गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ में बनाओ। सॉरी, दो मिनट के लिए बना लेंगे। और आजकल अभी ये फेक वाला तो सॉन्ग ही है, उसमें चीट करती है लड़की। इंटरव्यू खत्म होने बनाते हैं। आपका कहना है कि लड़की हमेशा चीट करती है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां ही करती है। बोला ना कि रील में इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, रियल में नहीं है, रील में है सब। अगर लड़कियों की जरूरत पूरी नहीं होती तो प्यार नहीं करता है गाने में दिखाया गया। नहीं, रियल लाइफ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये ऐसा है जैसे फिल्म। आप लोग लड़के, आप लोग का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, आप लोग बताओ आप लोग के साथ में हुआ है ऐसा? हमारे साथ में तो ऐसा हुआ, मैंने नहीं किया। आप लोग लड़के हमेशा चीटिंग करती है। देखिए राजा भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राजा भाई से बहुत हमारा प्यार है। और राजा भाई ने मुझे बोला था कि करण भाई कुछ ऐसा सॉन्ग हमने करना है, क्योंकि हमारी कंपनी केटीआर ओरिजिनल्स का फर्स्ट सॉन्ग आ रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब कुछ फर्स्ट सॉन्ग में ही कहते हैं कि मतलब कुछ ऐसी बात हो कि लोग अट्रैक्ट हों, एंगेज हों हमारी कंपनी में। तो मैं ठीक है राजा भाई कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ बढ़िया कुछ कंटेंट बनाते हैं साथ में। तो सबसे पहले तो मतलब मेन तो यही है राजा भाई जिन्होंने ये सब स्टार्ट करवाया और हमसे ऐसा गाना निकलवाया। म्यूजिक एल्बम में जिस तरह म्यूजिक चाहिए थे जो आपने फूल के हीरा जैसा निकाला, कितना टाइम लगे बनाने में गाने? मुझे सर ये गाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अभी मैं बोलता हूँ, हम लोग ऐसे बैठे थे, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे स्टूडियो में और मेरे भाई बड़े भाई और इसे प्लानिंग करते करते मुझे माइंड में कैसे आ गया यार हम लोग इसको करते हैं। और ये जितना अच्छा गाना बनाया है उतना अच्छा अल्तमश फरीदी ने गाया है। सिंगिंग बहुत अच्छा उन्होंने किया है, अल्तमश फरीदी ने बहुत अच्छा गाया। दिल्ली में है, उनका इवेंट है इसलिए वो नहीं आए, नहीं तो वो भी आते, तो हम लोग उनको मिस कर रहे हैं आज। और बाकी जुबेर खान, उज्ज्वल शर्मा और प्रिया शुक्ला ने बहुत अच्छा काम किया है। ये डायरेक्टर जो हमारे हैं अनिल जी, रवि शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, पूरी टीम का बहुत अच्छा। सर टॉप कहाँ से आया कि दो लड़का एक लड़की? सर ये तो जब हम गाना बनाने जाते हैं कहते हैं ना कि बनाया नहीं जाता गाना बन जाता है, तो वो वैसा ही है। फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं रवि जी, तो उन्होंने उसमें थॉट सोचा कि नहीं उसको ऐसे ऐसे गाने को वीडियो कर सकते। नहीं, हमारा पूरा फोकस उन पे ही था, क्योंकि ये सॉन्ग जो था ऐसा जोन है कि उसमें हमें पता था कि अल्तमश भाई की वॉइस ही ज्यादा बेटर रहेगी। मुझे राजा भाई ने बोला था कि और भी सिंगर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जो कहते हैं कि जो कंपोजर और लिरिसिस्ट सॉन्ग सोचते हैं तो उनको माइंड में रहता है कि नहीं हम किस सिंगर के साथ करें इसको, तो अल्तमश भाई जो थे परफेक्ट थे हमारे लिए। नहीं वो जिस महफिल में तेरा जिक्र हुआ उस महफिल से उठ जाएंगे, जिस महफिल में तेरा जिक्र हुआ उस महफिल से उठ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैंने काफी सारे आपके एक्साइटमेंट है गाना सुनने के बाद, किस तरह के आपको लग रहा है आगे तक जाएगा गाना? एक्चुअली गाना जो है आज को रिलेट करता है आज जी। आप सबने गाना सुना होगा तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, और जो आज की यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं वो इस गाने में अपने आप को रिलेट कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे ड्यूअल फेस है। तो इस गाने में ड्यूअल फेस को दिखाया है कि एक व्यक्ति के कितने फेस है, वो किस तरह से प्यार में धोखा भी देता है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी में सच्चा प्यार भी मिलता है। तो इस गाने में हमें ड्यूअल फेस दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की दो लोगों को चीट कर रही है और ऐसा हो रहा है, बट डोंट थिंक अबाउट कि लड़की ही करती है, लड़के भी करते हैं, पर इस एल्बम में ये दिखाया गया कि एक लड़की कर रही है। और गाना बहुत अच्छा है नो डाउट, और मैं चाहूंगी कि आप सब इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें,
और बाकी आप सब खुद देखे हैं तो मुझे लगता है कि सबको अच्छा लग रहा है। इसका बुक लाइन काफी अच्छे है, तो हाँ श्योर, मैं अभी तो आज मैंने गाना सुना है और मैं चाहूंगी कि आप मेरे इंस्टा पे जाके इस रील को भी देखें, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। और मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका इतने सारे प्यार मिल रहे हैं गाने का, बुक लाइन खास तौर पे, तो आप क्या बोलना चाहते हैं ऑडियंस को इस गाने के लिए? हम लोगों ने काफी मेहनत किया इस पे और अच्छा बनाने का हम लोगों को कोशिश किए हैं और अच्छी बात था सर, अच्छा कंटेंट, अच्छा चीज। गाना बहुत ही अच्छा बना है और ये जो KTR म्यूजिक है, जो KTR ओरिजिनल कंपनी है हमारा, राजा भाई का जो राजा फिरोज जी हैं प्रोड्यूसर, इनका खुद का CMS भी है और बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं कंपनी के, और एक नहीं कई सारे चैनल हैं जिनके बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, और आगे मतलब ये KTR ओरिजिनल जो है और KTR से रिलेटेड जो भी चैनल्स हैं ये बहुत ही बॉलीवुड में धमाका मचाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर जाने वाले हैं। अरुण जी, गाने आते हैं कितने कई चले जाते हैं, बुक लाइन जो है ये तो मैं समाज आने वाले हैं, जैसे उन्होंने बताया मैम ने कि एक आदमी दो चेहरा दिखाया, हो सकता है पर्सनल लाइफ में सबके दो चेहरा है, हकीकत आपने दिखाया, तो आप हद के सामने रख रहे हैं, तो कितने प्यार मिलेगा, मैंने सोचा कितने प्यार मिलेगा। देखिए इस गाने में जो भी इन्होंने दिखाया है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वो आज जो चल रहा है, आज की जो जनरेशन है और आजकल जो प्यार मोहब्बत के किस्से चल रहे हैं, जो आजकल की कहानियां होती हैं, उसी को दिखाया गया। और अगला गाना एक और है हमारा, डी एंटरटेनमेंट कंपनी का है, हमारे अजहर अली जी हैं जो प्रोड्यूसर है उसके, तो उसका भी टीजर यहाँ दिखाया जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा बना है और उसका टेस्ट बिल्कुल इस गाने से अलग है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट वैरायटी पब्लिक को दिया। हिंदी गाने और भी कुछ है, हिंदी गाना वेब सीरीज भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एक मेरी मूवी है जो हम लोग कर रहे हैं, देहरादून में शूट कर रहे हैं और मई के कोई फर्स्ट वीक में हम लोग कर रहे हैं, काफी अच्छी मूवी होगी है, हम लोग पब्लिक नहीं करेंगे टाइटल से भी, लेकिन हम लोग करेंगे बहुत जल्दी मीडिया के सामने और हम लोग उसको बताएंगे। हाँ स्टार कास्ट हमने फाइनल किया है, तो अभी नहीं सकते लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग बताएंगे कि थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग हो लोगों के लिए, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें बता देते हैं, कुछ आपके लिए हिडन होना चाहिए तभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। कुछ कंपनी के बारे में बताएं क्या क्या ऑफर है इसके अलावा? देखिए KTR डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इसका ओरिजिनल पे जो है वो ये गाना रिलीज हो रहा है, और इसके बाद फिर डील एंटरटेनमेंट कंपनी का अगला गाना है और बहुत ही रोमांटिक के साथ सॉन्ग KTR के साथ साथ में एक कंपनी और है डील करके, तो सेकंड गाना हम लोग जो है ना वो भी कर रहे हैं साथ में और काफी अच्छा सॉन्ग वो भी है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इधर ही हैं, अभी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आई हमारे सब आ रहे हैं, तो वो आइए सब गाना काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, एंड होप ऑल द बेस्ट टू द होल टीम, आई एम श्योर सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये गाना, एंड मुझे तो काफी पसंद आया है, तो आई एम श्योर सभी को अच्छा आएगा, तो प्लीज ये गाना सब लोग देखे और जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता है, जिस तरह के गाना आपने देखे, आपने रिएक्शन देखा काफी महफिल, एक लड़की दो आदमी को धोखा दे रहा है ना, और गाने में इस तरह की लोग गाड़ी में गुनगुनाए, रोड पर गुनगुनाए गुनगुनाए, आपको तो इस गाने में आपको जुड़ना जितनी खूबसूरत गाने कैसे लगा? गाना बहुत अच्छा लगा, इसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है और एक लड़की दो लड़कों के साथ ऐसा कर रही है, तो वो जानने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा गाना, जैसा कि इन्होंने बोला गाना सबको बहुत पसंद आएगा। सर इतने सारे प्यार मिले हैं महफिल को, क्या बोलना चाहते हैं सारे मैम? इन्होंने सही बोला, काफी अच्छा हम लोगों ने बनाया है और जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको देख के हम लोगों ने म्यूजिक कंटेंट बनाया है इसको, तो काफी अच्छा है और काफी अच्छा है, गाने चलेगा, सॉन्ग चलेगा। कॉन्सेप्ट काफी हटके है, कैसे आप लोगों ने सोचा, कैसे आप लोग बनाए, इस पर स्टोरी बनाया जाए, कैसे आप लोग सोचा? अरे हम लोगों ने प्लानिंग कर रहे थे म्यूजिक वीडियोज का, तो लगा इसे और हमारे डायरेक्टर भी थे रवि भाई, तो लगा है राजा हम लोग इसी मिलकर करते हैं, तो एक दिन को हम लोग प्लानिंग की और मैक्सिमम दो तीन दिन के अंदर हम लोग शूट भी कर दिया इसको। कहाँ शूट हुआ, कितना मतलब लगा आपको शूट करने में? हम लोगों को मैक्सिमम दो तीन दिन लगा शूट करने में, हम लोग इधर मुंबई में किए थे और काफी अच्छा, मतलब एक
एक वो माइंड में ना कैसे प्लानिंग कैसे बनी ना जो यार काफी अच्छा सॉन्ग है और अल्तमस फरीदी ने इसको सिंगिंग किया है और आप तो सुने होंगे गाने कितना फूक लेल के सोचा था कि इतनी सारी प्यार मिलेगा इतनी से मतलब इतनी सारी प्यार मिलेगा हर युवा पीढ़ी के दिल में छा जाएगा कि दूसरे को धोखा जो देते हैं वो धोखा देने से बच जाएगा। अब तो प्रॉपर देखो भाई जो जो चल रहा प्रेजेंट टाइम वही है उसी के हिसाब से सॉन्ग है और काफी अच्छा है और चलेगा जहाँ तक इसका हुक लाइन हम लोगों ने लिया है ना तो वो ट्रेंड करेगा और हम काफी हम लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं। आप लोग रील बनाएंगे लग रहे हैं इस गाने बिल्कुल, बिल्कुल बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे इतना अच्छा गाना है। आज से स्टार्ट किया रहेंगे हम मूवी का आज से स्टार्ट कर रील बनाने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को सर? तो जो कॉन्सेप्ट है जो ऑडियंस देखेगी जो सुनेगी खुद ही उनको लगेगा भाई क्या लेकिन अच्छा है हम लोगों ने जो बनाया है कहाँ देखने को मिलेगा गाना किस साइट पे? मैक्सिमम यूट्यूब पे मिलेगा आपको और जितनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड वाइड जितनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको इस म्यूजिक कंटेंट और मैक्सिमम दो से तीन महीने बाद आपको ना जो भी सेटेलाइट चैनल्स है म्यूजिक के उस पर भी आपको मिलेगा। यूट्यूब पर किस नाम से सर्च करेगा? KTR ओरिजिनल्स करके चैनल है कंपनी का। कास्टिंग को सोचे भी नहीं थे हम लोग इसे तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे प्लानिंग किए और सबको बोला फिर और एक दिन वो कर दिए काफी अच्छा उन्होंने कास्टिंग भी किया। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो? एक मोहब्बत करके और है मेरा एक म्यूजिक वीडियोज है अभी उसका भी टीजर और हम लोग कमिंग शो का जो लॉन्च करेंगे तो और हम लोग मई के फर्स्ट वीक में जो है ना उसको रिलीज करेंगे। बाकी पूरी टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमारी टीम ने काफी सपोर्ट किया हमको और हमारे साथ है और हम लोग बैक टू बैक हम लोग काम कर रहे हैं अपने चस्का एक मेरा OTT ऐप भी है उसके लिए भी और हमारे म्यूजिक लेवल्स के लिए जैसे चस्का OTT उस पे क्या वेब सीरीज का वेब सीरीज है उस पे और साउथ की मूवीज है हिंदी डब करके और हमारे पास कुछ हॉलीवुड की कुछ मूवीज है हम लोग उसको चलाएंगे और हम लोग वेब सीरीज जो अच्छी वेब सीरीज है ना हम लोग उसको बना के रिलीज करेंगे चलाएंगे अपने ऐप से। आपको भी बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मूवी में गाने में सोचते हैं सर राजा क्या बताएं? गाना बहुत अच्छा बना है स्टारकास्ट जो भी है उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है गाने में दिख रहा है और हमें पता चला आज रिलीज होना है तो हमें आ गए तुरंत यहाँ पर और काफी अच्छा दिख रहा है रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है काफी भीड़ थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सॉन्ग ये और जो जनरेशन के बारे में है वो जनरेशन के हिसाब से तो ठीक ही है बहुत लोग चीट करते हैं तो आई थिंक सो लोगों को समझ में आएगा कि चीट करना बहुत गलत चीज होती है लोगों की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप मानते हो कि लड़कियां हमेशा धोखा देती है? नहीं लड़कियां हमेशा धोखा नहीं देती ऐसा नहीं है कुछ लड़कियां होती हैं कुछ लड़के होते हैं अब लड़का लड़की के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हम ना सिचुएशन हाँ तो गाना काफी अच्छा था काफी मस्त बनाया है स्टोरी काफी सही थी और इस गाने में काफी सस्पेंस है जो आपको गाना देखने के बाद ही पता चलेगा और स्टार कास्ट भी काफी अच्छी थी डायरेक्शन भी काफी अच्छा था काफी मजा आया और आपको देखना पड़ेगा ये सॉन्ग फिर आपको पता चलेगा कि उसमें सस्पेंस क्या है। आप लोग रील बनाओगे इसके ऊपर? हाँ जरूर बनाएंगे आप लोग भी बनाओ सब बनाओ काफी धमाल सॉन्ग है क्या म्यूजिक है वाओ। मैम आपके बारे में आपको विशेष देना चाहता हूं आप अपने बारे में बताइए हमारा हो गया मीडिया बाइट हो गया के बारे में लगा बहुत अच्छा सॉन्ग था आई थिंक बहुत अच्छा एक्ट किया है डायरेक्शन बहुत अच्छी थी मुझे डायरेक्शन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई जिस तरीके से दिखाया है वीडियो को बहुत अच्छा था सारा कुछ और आप सब लोग भी जरूर देखिएगा सॉन्ग बहुत अच्छा है म्यूजिक बहुत अच्छा है लिरिक्स बहुत अच्छे हैं एंड जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ है उनके लिए ज्यादा अच्छा है उनको थोड़ा फील होगा अच्छा सॉन्ग ऑल ओवर अच्छा है। Thank you.